नीट पेपर लीक के सवाल पर नीतीश कुमार बचते दिखे। आपको हम बता दें कि वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जब नीतीश कुमार से पूछा गया नीट पेपर लीक के मामले में, तो वो निरीक्षण की बातों को करने लगे, बापू टावर की बात करने लगे, वो सीधा बात को पलट दिए और नीट पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं बोले। वो सीधा बताने लगे किस प्रकार से बापू टावर का काम जो है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, एक महीने के अंदर वो पूरा भी हो जाएगा और तमाम चीज़ बताते दिखे नीतीश कुमार। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो वो कन्नी कटाते हुए बचते दिखे गए। तो फिर आप देखिए नीतीश कुमार किस प्रकार से नीट पेपर लीक मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो किस प्रकार से कन्नी काट रहे हैं। जल्दी से जल्दी एक डेढ़ महीना के अंदर हम करवाएंगे। वही हम देखते ना आज जल्दी रखाव पहले का है, पूरी रहा है तो करीब करीब मिल जाएगा। एक महीना के अंदर पूरा तैयार हो तो आपने सुना किस प्रकार से नीतीश कुमार बातों को पलटने में माहिर हैं, किस प्रकार से नीट पेपर लीक मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो वो पुल की बात करने लगे, वो बापू टावर की बात करने लगे, बताने लगे कि एक महीने में यह पूरा होने वाला है और हम हमेशा आते रहते हैं निरीक्षण करने के लिए। वहीं आपको हम बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। उसी में नीतीश कुमार जब सामने आए, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, लेकिन नीतीश कुमार अपने सवालों से बचते हुए बापू टावर की बात करने लगे और बताने लगे कि एक महीने में यह रेडी हो जाएगा और हम लगातार इसके निरीक्षण के लिए आते रहते हैं। आपको हम बताया कि नीतीश कुमार लगातार कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे थे, जिस कारण से पेपर लीक मामले में उन्होंने अभी तक कुछ भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। लेकिन जब वो आज बापू टावर के निरीक्षण के लिए बाहर निकले थे, जब प्रेस वालों ने उनसे जब सवाल किया नीट पेपर लीक मामले में, तो वो बचते हुए देखे गए थे। आपको हम बता दें नीट पेपर लीक मामला जो है काफ़ी ज़्यादा सुर पकड़ रहा है, लेकिन अभी तक खुलकर इस पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि आपको बता दें नीतीश कुमार जिस प्रकार से इस बयान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। सबको हम बता दें आपने सुना किस प्रकार से नीतीश कुमार पेपर लीक मामले में अपनी बातों को पलट दिए, पलटने के बाद बापू टावर की बात करने लगे और बताने लगे कि एक महीने के अंदर यह सब कुछ चालू हो जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।